ये भी निकाल देंगे, क्या बोलता है? सर जो बेरबाग ब्योरी में जो प्रॉपर्टी है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की जो है उसका क्या करेंगे? उसको हम कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने की, हम कोशिश उसमें हमने कुछ पैसा भी रखा है इस साल, अगर वो हमारा क्योंकि वो एक अल्टरनेटिव ग्राउंड बनेगा, क्योंकि लोगा डोडा की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है अब तो उसके लिए एक ग्राउंड काफ़ी नहीं है। अब देखो अभी आपका वार फुटिंग पे इंडोर स्टेडियम भी बन रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि अब आगे के दिनों में ना अगर वो वाला ग्राउंड भी बन जाए तो उससे लोगों को एक अल्टरनेटिव जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी हम वॉलीबॉल भी शुरू कर रहे हैं, आपको इंडोर की सारी गेम्स मिलेगी यहाँ। तो मुझे लगता है कि डोडा से वी शुड एक्सपेक्ट कि 2-3 सालों में हर एक गेम में हमारे नेशनल लेवल के यार इंटरनेशनल लेवल के भी लोग डेवलप हो सकते हैं। आपका एक लड़का है चैन सिंह, तो ओलंपियन है हमारा, वो तो उसको भी कभी कभी रिक्वेस्ट करो जाफर, आस्क हिम कि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे और उनको गाइडेंस दे दे, और ही इज़ द बिगेस्ट एसेट ऑफ द कंट्री नॉट ओनली जे एंड के एंड ही इज़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डोडा, तो वॉट मतलब उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जो उस ग्राउंड की बात आप कर रहे हो, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट एन अल्टरनेटिव ग्राउंड फॉर डोडा। थैंक यू। हमने डोडा में शूटिंग रेंज के लिए पूरा इक्विपमेंट दिया हुआ है, पर्पज़ यही था कि डोडा के जो लोग हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग, इनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी हमारा, क्योंकि हम वी बिलीव इन इट कि जो बच्चे हैं हमारे बहुत रिजिलियंट हैं, बहुत टफ हैं, मेंटली स्ट्रांग है, फिज़िकली फिट है, लेकिन उनके लिए ऐसी गेम्स का जैसे सिर्फ शूटिंग रेंज ही नहीं, खाली 10 मीटर शूटिंग रेंज हमने आज शुरू की है यहाँ, क्योंकि मुझे अब किसी ने बताया था कि यहाँ के बच्चे जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इंडिपेंडेंटली, अगर वो प्रैक्टिस कर रहे थे घर पे उसके बाद भी वो स्टेट और नेशनल लेवल पे खेल रहे थे। तो वी थॉट कि यहाँ पे अगर इक्विपमेंट दिया जाए और वही लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट जो शूटिंग का है और फेंसिंग का है, दोनों को मैं क्लब करके ही बोल रहा हूँ, दोनों स्टेट ऑफ आर्ट है, दे आर द बेस्ट इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड इन दिस एज ग्रुप, मतलब जो 10 मीटर की शूटिंग रेंज होती है उस पर ये जो वाल्थर की गन है और जो बाकी भी जो बेस्ट अवेलेबल है वर्ल्ड में वो वाला इक्विपमेंट है। तो अब मेरा ये पर्पज़ ही यही है कि इतना दूर डिस्ट्रिक्ट जो है रिमोट एरिया है, रिमोट भी है, डिफ़िकल्ट भी है, टेरेन भी डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, और हमारा इस गवर्नमेंट का ये भी पर्पज़ है कि जम्मू और श्रीनगर के बगैर भी जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको प्रमोट किया जाए। जैसे अगर हम हॉकी का इंटरनेशनल लेवल फुटबॉल हॉकी ग्राउंड बना रहे हैं पुंछ में, सिंहपुरा बारामूला में, अनंतनाग में, ऐसे ही डोडा में भी हमने इसलिए इसको चूज़ किया कि बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल मिल हो जाए, और फिर उसके बाद अगर सचमुच इनके पास टैलेंट है अपॉर्चुनिटी देना हमारा काम है सर, ये ग्राउंड्स बनाना हमारा काम है, इक्विपमेंट देना हमारा काम है। तो दैट इज़ वाई वी हैव पिक्ड अप डोडा डिस्ट्रिक्ट, और नेक्स्ट टाइम होपफुली वी विल पिक अप सम अदर डिस्ट्रिक्ट आल्सो। सर देखने के कोविड से स्ट्रेस में काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, क्या SOPs पूरा पालन करके कुछ गेम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आप? देखो अभी तक तो आउटडोर गेम्स का थोड़ा बहुत तो हमें अलाउ हुआ है, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, लेकिन उसके भी किसी भी जगह पे SOPs के बगैर काम नहीं करना है। आपने ये क्वेश्चन पूछा हमसे, हम लोग तो SOP पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये जर्नलिस्ट खुद तो नहीं करते हैं ना SOP पूरा, फिर शाम को TV पे न्यूज़ लगाते हैं कि देखो जी इन्होंने SOPs पूरी नहीं की थी। आई हैव अ वेरी रिसेंट एक्सपीरियंस ऑफ इट कि खुद तो वो नहीं कर रहे थे ये उसको फॉलो। जब अभी आप इनॉग्रेशन कर रहे थे उस टाइम भी सोशल डिस्टेंस का कहीं पे पालन नहीं था? नहीं, हम तो थे डिस्टेंस में जब हम थे, आप लोग नहीं थे, यू आर जम्बलिंग अपॉन अस नॉट मी, हम तो डिस्टेंस में थे और हमने मास्क भी रखी हुई थी। सर, तो स्पोर्ट्स स्टेडियम का एरिया, इसमें कुछ प्राइवेट यहाँ पे जो रास्ते निकाले गए, कई बार मीडिया में आने के बाद आपने इस बात पर क्वेश्चन दिया, ये यार बेसिकली दिस इज ये सिटीजन का मसला है पहले और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है। हम जो DC साहब है यहाँ पे, जो यहाँ के SSP साहिब है, उन दोनों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी है इस चीज़ की, एंड आई एम श्योर बोथ ऑफ देम आर वर्किंग फॉर दैट फॉर दिस पर्पस। तो आपको पता है कि यहाँ से प्राइवेट रास्ते दिए जाते लोग? नहीं, मुझे नहीं पता उनको पता है कि नहीं, मतलब ये बेसिकली ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये हमारे डिपार्टमेंट का वहाँ से काम नहीं है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। यू रिक्वेस्ट, यू टॉक टू देम, मीडिया लोग हैं यहाँ पे, आपके थ्रू दे विल अंडरस्टैंड इट बेटर, और उसके साथ अगर लोकल सिटीजन्स हैं जो यहाँ के आगे पीछे के लोग हैं, क्योंकि एक चीज़ें बताओ कि ये ग्राउंड अगले 1 लाख साल तक
बच्चों को यूज़ करना है। पॉपुलेशन बढ़ती जानी है, ग्राउंड्स की कमी होती जानी है, इसलिए कोशिश करो इसको जितना प्रिजर्व कर सकते। इट शुड बी एंडेवर ऑफ एवरी पर्सन फ्रॉम डोडा टू सेफ गार्ड दिस लैंड, क्योंकि दोबारा इतनी बड़ी लैंड आपको नहीं मिलने वाली है। कोशिश करो कि यू शुड बी वेरी टफ ऑन दिस लैंड। आपके पास है क्या, उसको आप कवर नहीं कर सकते जो लैंड ज़ाया हो रही है या रास्ते में जाती है पीछे से इधर उधर जो रास्ता है इतना? मेरे जवाब दिया ना आपको, दिस इज अ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इशू। इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इशू है। कितनी कीमत लेकिन मैं पता कैसे मैं बताता हूँ सुन यार।